ए लेटर टू गॉड, ईश्वर को पत्र, ए लेटर टू गॉड ईश्वर को पत्र, ए जी एल फ्वेंट्स ये राइटर हैं। ये लेसन देखें, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। द हाउस मीन्स वह घर, द ओनली वन जो केवल एक ही था, इन द एंटायर वैली संपूर्ण घाटी में केवल एक ही घर था, सेट जो स्थित था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल जो निचली पहाड़ी के सबसे चोटी पर या ऊंचाई पर स्थित थी। फिर से देखेंगे, द हाउस वह घर, द ओनली वन जो केवल एक ही था, इन द एंटायर वैली संपूर्ण घाटी में केवल एक ही था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल जो निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से वन कुड सी कोई भी देख सकता था, द रिवर नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और पके फसल के खेत को देख सकता था, डॉटेड विथ द फ्लावर्स। डॉटेड मीन्स बिंदुवत थे, अर्थात कहीं कहीं पर द फ्लावर्स फूल थे, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड जो सदैव वादा करते थे, ए गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल होने का जो हमेशा वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, द अर्थ नीडेड का तात्पर्य धरती को जरूरत थी, द ओनली थिंग केवल एक ही चीज़ की जरूरत थी, और वह थी वाजे डाउन पोर एक मूसलाधार बरसात की, डाउन पोर मीन्स होता है मूसलाधार बरसात, और या एटलीस्ट ए सोवर, एटलीस्ट मीन्स कम से कम, ए सोवर मीन्स एक बौछार, अर्थात पृथ्वी को या धरती को केवल एक ही चीज़ की जरूरत थी, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड केवल एक ही चीज़ को कि धरती को जरूरत थी, और वह थी वाजे डाउन पोर एक मूसलाधार बरसात की, और एटलीस्ट या कम से कम ए सोवर एक बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग पूरे प्रातःकाल, लेंचो 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 कौन है, डैश देकर दिया है, थ्रू आउट द मॉर्निंग पूरे प्रातःकाल, लेंचो लेंचो कौन है, देखिए, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हु न्यू जो जानता था हिज फील्ड्स अपने खेतों को इंटीमेटली नज़दीकी से या घनिष्ठता से जो अपने खेत को जानता था, तो ये लेंचो है अर्थात खेत का मालिक है। Had done nothing, तो वो लेंचो कुछ भी नहीं किया था पूरे प्रातःकाल, इल्स बट सिवा लेकिन सीन देखने के सिवा कुछ भी पूरे प्रातःकाल नहीं किया था, किसे देखने के, द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर की दिशा में, उत्तर और पूर्व की दिशा में, टुवार्ड्स मीन्स की तरफ होता है, तो पूर्व और उत्तर की दिशा में आसमान में देखने के सिवा पूरे प्रातःकाल, थ्रू आउट द मॉर्निंग पूरे प्रातःकाल लेंचो कुछ भी नहीं किया था। यहाँ से देखिए, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर रोमैन, नाउ अब वी आर रियली हम वास्तव में गोइंग जा रहे हैं, टू गेट सम वाटर कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, ओमैन औरत अर्थात अपनी पत्नी से कहता है लेंचो कि अब हम कुछ पानी को प्राप्त करने जा रहे हैं। द ओमैन वह महिला हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, वह महिला हु वाज प्रिपेयरिंग जो तैयार कर रही थी सुपर रात का भोजन जो तैयार कर रही थी, रिप्लाइड वह उत्तर दी, यस हाँ गॉड्स विलिंग ईश्वर की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग बड़े लड़के कार्य कर रहे थे, इन द फील्ड खेतों में, वाइल जबकि द स्मॉलर वंस जबकि जो छोटे छोटे बच्चे थे, वेयर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास, अनटिल तब तक खेल रहे थे जब तक कि द वोमैन कॉल्ड टू देम ऑल जब तक कि यह महिला उन सबको बुला न ले कि कम फॉर डिनर कि डिनर के लिए आ जाओ या रात के भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ड्यूरिंग मीन्स दौरान होता है, द मील मीन्स भोजन, यह भोजन का ही समय था, भोजन के दौरान, दैट जैसा कि जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्टेड भविष्यवाणी किया था, तो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें ऑफ रेन बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें बिगेन टू फॉल गिरने लगी, इन द नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर की दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स
ह्यूज मीन्स विशाल होता है बड़ा, माउंटेन मीन्स पर्वत और क्लाउड मीन्स बादल। तो बादलों के बड़े बड़े पर्वतों को अर्थात बादलों के बड़े बड़े चट्टानों को पूर्वोत्तर के दिशा में कुड बी सीन देखा जा सकता था। अप्रोचिंग आगे बढ़ते हुए अर्थात पूर्वोत्तर की दिशा में बड़े बड़े बादलों के चट्टानों को आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता था। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा था वो बहुत ही फ्रेश और स्वीट था, अर्थात फ्रेश मीन्स ताज़ा, स्वीट मीन्स मधुर, अर्थात बहुत ताजगी वाली हवा बह रही थी। द मैन, वह आदमी अर्थात लेंचो, वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया, देन बल्कि टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि ऑन हिज बॉडी मीन्स अपने शरीर पर फीलिंग अनुभव करने के लिए गया था, प्लेजर आनंद या सुख का अनुभव करने के लिए गया था अपने शरीर पर। कहने का मतलब द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह आदमी बाहर अर्थात लेंचो बाहर गया किसी दूसरे कारण से नहीं, बल्कि अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों के सुख का आनंद लेने के लिए गया था बाहर। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वह वापस लौटा तो ही एक्सक्लेम्ड, वह कहा, क्या कहा, दीज आर नॉट रेन्स रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिरते हुए ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स और 10 सेंट्स पीसेस, जो बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें हैं वे 10 सेंट पीसेस, वे 10 सेंट के टुकड़े हैं, अर्थात द 10 सेंट के वो हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे छोटे पानी के बूंदे हैं वे 5-5 सेंट के टुकड़े हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन यहाँ देखेंगे, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट भाव के साथ, ही रिगार्डेड, उसने ध्यान से देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए फसल के खेत को उसने ध्यान से देखा, विथ इट्स फ्लावर्स, फूलों के साथ, अर्थात उस खेत में फूल भी थे, ड्रैप्ड, जो ढके हुए थे, इन ए सर्टेन ऑफ रेन, जो बरसात के चादर से ढका हुआ था। बट सडनली, लेकिन अचानक ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तेज हवा बहने लगी, बिगेन टू ब्लो, बहना शुरू हो गया, बहने लगी, एंड एलॉन्ग विथ द रेन, एलॉन्ग विथ मीन साथ द रेन, और बरसात के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स, जो ओला होता है, बहुत बड़े बड़े ओले बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। दीज ट्रूली, ये सचमुच डिड रिजेंबल, ये सचमुच प्रतीत होते थे न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए नए चांदी के सिक्के प्रतीत होते थे। द बॉयज, और जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, एक्सपोज मीन्स खुला छोड़ देना, देमसेल्व्स अपने आप को खुले छोड़ दिए टू द रेन, बरसात में, अर्थात ये खुले बदन स्वयं को बरसात में छोड़ दिए। रेन आउट, बाहर की तरफ दौड़े, टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, जमे हुए मोतियों को एकत्रित करने के लिए, जमे हुए मोतियों को, फ्रोजन पल्स, जमे हुए मोतियों को कलेक्ट करने के लिए, एकत्रित करने के लिए, रन आउट, बाहर की तरफ दौड़े। फिर आगे देखिएगा, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, इट इज़ रियली, ये वास्तव में गेटिंग बैड नाउ, अब बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा, आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासिस क्विकली, या जल्दी से समाप्त हो जाएगा, इट डिड नॉट पास क्विकली, या जल्दी से समाप्त नहीं हुआ, फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल रेन, ओला बरसता रहा, ऑन द हाउस, घर पर बरसता रहा, द गार्डन, बगीचे में बरसता रहा, द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ बरसता रहा, द कॉर्न फील्ड, और फसल के खेत में बरसता रहा, ऑन होल वैली, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में बरसता रहा,
द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया। एज इफ मानो की कवर्ड विथ सॉल्ट, मानो की नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड, एक भी पत्ती, लीफ मीन्स पत्ता होता है, एक भी पत्ती रिमेंड, रिमेंड मीन्स बचना, तो नॉट ए लीफ रिमेंड, एक भी पत्ता बचा नहीं रहा ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वेयर गॉन, फूल भी समाप्त हो गए थे। फ्राम द प्लांट्स, पौधों से फूल भी समाप्त हो गए थे। लेंचो सोल वॉज फील्ड, लेंचो का आत्मा भर गया विथ सैडनेस, दुख से। वेन द स्टॉर्म हैड पॉस्ट, जब तूफान समाप्त हो गया था। ही स्टूड, वह खड़ा हुआ। इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के मध्य में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा कि ए फ्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों की महामारी वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा छोड़ दी होती, टिड्डियों की महामारी भी इससे ज़्यादा छोड़ दी होती, लेकिन द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस वर्ष वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हम लोगों के पास कोई भी अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, वह रात एक दुखद रात थी। ऑल अवर वर्क, हमारा संपूर्ण कार्य फॉर नथिंग, व्यर्थ गया, अर्थात कुछ नहीं के लिए था। देयर इज नो वन, कोई भी नहीं है हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सके। वी सेल ऑल गो हंग्री, हम सब गो हंग्री मीन्स भूखो मरना। वी सेल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी लोग भूख से मर जाएंगे या भूखो मरेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हृदयों में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो उस एकाकी घर में रहते थे, अकेले घर में रहते थे, उन सब के हृदय में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो घाटी के मध्य में उस अकेले घर में रहते थे, उन सभी के हृदय में देयर वॉज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा था, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, उतने उदास मत होइए। इवन दो, भले ही दिस सिम्स, ऐसा प्रतीत होता है लाइक ए टोटल लॉस, जैसे कि संपूर्ण हानि हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन डाइज ऑफ, कोई मरता नहीं है हंगर, भूख से। दैट इज वॉट दे से, यही कारण है कि वे, दैट इज वॉट दे से, यही कारण है कि वे कहें कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई मरता नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थाट मली वन, ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो थाट, लेंचो सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल अपना एक आशा सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से सहायता। हुज आई, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे निर्देश दिया जा चुका था, उसकी आँखें सी एवरी थिंग, सब कुछ देखती थी। इवन वाट इज डीप इन वंस कंसियंस, इवन, इवन मीन्स बी वाट इज डीप इन वंस कंसियंस, किसी के अंतरात्मा में क्या है, वो सब कुछ देखती थी, प्रत्येक चीज़ों को देखती थी। लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो एक बैल था, फिर मैन एक आदमी के रूप में, अर्थात वह बैलों की तरह खटता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह कार्य करता था इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, बट स्टिल, लेकिन फिर भी ही नहीं, वह जानता था हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है, अर्थात वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह के समय, ही बिगेन टू राइट, वह लिखने लगा लेटर, पत्र लिखने लगा। विच ही हिमसेल्फ, जिसको वह स्वयं उड कैरी ले जाएगा टू टाउन, शहर ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और पत्र पेटिका में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, इसमें एक भगवान के लिए पत्र के सिवा कुछ भी नहीं था। उसने क्या लिखा था, यहाँ दिया है, गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई और मैं, विल गो हंग्री, भूख से मर जाएंगे, दिस ईयर, इस वर्ष भूख से मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो, इन ऑर्डर टू मीन्स के लिए होता है, इन ऑर्डर टू सो, बुआई करने के लिए, माई फील्ड, अपने खेत की बुआई करने के लिए, अगेन दोबारा अपने खेत की बुआई करने के लिए मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। एंड टू लीव, और ज़िंदा रहने के लिए,
सौ पैसे की ज़रूरत है अनटिल तब तक जीवित रहने के लिए जब तक कि द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल आ न जाए। बिकॉज क्योंकि द हेल स्टोन डॉट 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 का तात्पर्य है क्योंकि हेल स्टोन जो ओला था वो फसलों को तहस नहस कर दिया है। ही रोट, उसने लिखा टू गॉड, उसने टू गॉड लिखा भगवान के लिए लिखा ऑन द इनवेलप लिफाफे पर। फिर क्या किया, पुट द लेटर इनसाइड, अंदर की तरफ पत्र को डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशान होते हुए वेंट टू, चला गया टू टाउन, शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर चला गया। तो एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, वह एक टिकट लगाया ऑन द लेटर, पत्र पर एक टिकट लगाया, स्टैम्प लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट, यहाँ पर इट होना चाहिए, इन टू द मेल बॉक्स, और इसे डाल दिया इन टू द मेल बॉक्स, पत्र पेटिका में डाल दिया। फिर आगे दिया है वन ऑफ द एम्प्लॉयज का मतलब उन कर्मचारियों में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन, वो पोस्टमैन जो कि एक डाकिया था, उसमें तो बहुत से कर्मचारी थे लेकिन उसमें से एक जो कर्मचारी था जो कि एक डाकिया था, डाकिया, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में डाकघर में भी सहायता किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने मालिक के पास गया, लाफिंग हंसते हुए गया, हर्टी जोर से हंसते हुए गया अपने मालिक के पास। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने मालिक को उसने दिखाया भगवान के लिए पत्र। शोड हिम मतलब उन्हें दिखाया, द लेटर पत्र दिखाया, टू गॉड ईश्वर के लिए पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने जीवन में कभी भी नहीं, एज ए पोस्टमैन, एक डाकिये के रूप में अपने जीवन में कभी भी नहीं, ही हैड नोन दैट एड्रेस, उसने उस पते को जान पाया था। मतलब किसी के घर जाना होता है तो लोग पत्र पहुंचा देते हैं, अब भगवान का घर कोई तो देखा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि नेवर इन हिज कैरियर, अपने जीवन में कभी नहीं, एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में, एक डाकिये के रूप में, उसने जीवन में कभी भी नहीं, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने उस पते को जान पाया था। द पोस्ट मास्टर, वह जो डाक मालिक था, ए फैट मोटा था, एमिएबल फेलो, मैत्रीपूर्ण साथी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी खुलकर हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत, ही टर्नड सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर, और पत्र को थपथपाते हुए ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए कमेंटेड, कहा, टिप्पणी किया, क्या कहा, वो कहा कि व्हाट फेथ, गजब का विश्वास है, आई विश, मैं चाहता हूँ, आई हैड द फेथ, मैं विश्वास बनाए रखूँ, आप द मैन, उस आदमी का विश्वास बनाए रखूँ, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा। स्टार्टिंग अप अर्थात चौंकाने वाला, एक करेस्पोंडेंस, एक पत्र व्यवहार विथ गॉड, ईश्वर के साथ। सो इसलिए इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए लेखक का ईश्वर में विश्वास बनाए रखने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम अप, डाक मालिक को सूझा विथ एन आइडिया, एक विचार सूझा। आंसर द लेटर का मतलब पत्र का उत्तर दिया जाए। बट वेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला तो इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट था, दैट की टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड, उसे ज़रूरत थी समथिंग मोर, कुछ और चीज़ों की ज़रूरत थी, देन गुडविल, अच्छे विचार की तुलना में, इंक स्याही की तुलना में, एंड पेपर और कागज़ की तुलना में, उसमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत थी। बट ही स्ट्रक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन उसे अपना समाधान सूझा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, वो अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा, और उसके बाद ही हिमसेल्फ गेव, उसने स्वयं दिया पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने वेतन का कुछ हिस्सा भी खुद दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अनेकों दोस्त भी दिए ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक दान या पुण्य के काम के लिए वे सब भी अपना ओब्लाइज दिए, एहसान किए, जो अनेकों दोस्त थे वे भी अपना कुछ ना कुछ पैसा दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टूगेदर द 100 पेसेस, यह संभव था उसके लिए टूगेदर एकत्रित करने के लिए
इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर या उसके लिए एक साथ एकत्रित करना संभव था। द 100 पैसेस 100 पैसे एकत्रित करना संभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड इसलिए वह योग्य हो सका भेजने के लिए। द फार्मर के उस किसान को ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ आधे से थोड़ा ज़्यादा भेजने में उस किसान को वह सफल हो सका। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप उसने पैसे को एक लिफाफे में डाल दिया एड्रेस्ड टू लेंचो लेंचो के पते पर एंड विथ देम और उसके साथ ए लेटर कंटेनिंग एक पत्र भी शामिल था उस लिफाफे में। वाली ए सिंगल वर्ड केवल एक शब्द था उस पत्र पर एज ए सिग्नेचर एक हस्ताक्षर के रूप में गॉड जो हस्ताक्षर केवल ईश्वर का था। फिर क्या हुआ द फॉलोइंग संडे अगले रविवार को लेंचो केम लेंचो आया ए बिट अर्लियर थोड़ा पहले ही आ गया देन यूजुअल आमतौर की तुलना में थोड़ा पहले ही आ गया टू आस्क पूछने के लिए इफ की क्या देयर वॉज ए लेटर कि क्या कोई पत्र था फॉर हिम उसके लिए। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ ये खुद पोस्टमैन था डाकिया था स्वयं हु हैंडेड द लेटर टू हिम जो उसको पत्र थमाया अर्थात लेंचो को उसने पत्र थमाया। वाइल जबकि द पोस्ट मास्टर जबकि जो पोस्ट मास्टर था जो डाक मालिक था एक्सपीरियंसिंग अनुभव कर रहा था द कंटेंटमेंट संतोष का अनुभव कर रहा था आप ही मैंने एक आदमी के रूप में हु हैज़ परफॉर्म्ड गुड डीड जिसने अच्छा कार्य किया था। लुकड ऑन तो वह देखता रहा फ्रॉम द डोर वे ऑफिस अपने कार्यालय के दरवाजे वाले रास्ते से देखता रहा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज लेंचो शोड दिखाया नॉट नहीं दिखाया द स्लाइटेस्ट का मतलब जरा सा भी नहीं दिखाया सरप्राइज में आश्चर्य लेंचो को जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी पैसे को देखकर सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री लेकिन वह क्रोधित हो गया व्हेन ही काउंटेड द मनी जब उसने पैसे को गिना तो लेंचो क्रोधित हो गया। उसने सोचा गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक कि ईश्वर गलती नहीं कर सकता नॉर कुड ही हैव डिनाइड न तो वह इनकार किया होगा लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड जो उसने विनती किया था। इमिडिएटली तुरंत लेंचो वेंट अप लेंचो उठा टू द विंडो सॉरी तुरंत लेंचो गया टू द विंडो खिड़की के पास गया टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक कागज़ और स्याही के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल सार्वजनिक लेखन टेबल पर आई स्टार्टेड टू राइट वो लिखना शुरू कर दिया विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो अपने भौं को कुछ अधिक मटमटाते हुए कास्ट बाय द एफर्ट आई हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज जो उसकी आँखें रिंकलिंग कर रही थी जल्दी जल्दी बंद हो रही थी खुल रही थी वो कास्ट बाय द एफर्ट उसके प्रयास के कारण था। ही हैड टू मेक जो उसे बनाना पड़ता था टू एक्सप्रेस हिज आइडिया अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। तो व्हेन ही फिनिश्ड जब वह समाप्त कर लिया था पत्र लिखना तो ही वेंट टू द विंडो खिड़की के पास गया टू बाय ए स्टैम्प एक टिकट खरीदने के लिए विच ही लिक्ड जिसको वह थूक लगाया या चाटा एंड देन अफिक्स फिर उसे चस्पा कर दिया टू द एनवेलप लिफाफे पर विथ ए ब्लू ऑफ हिज फिस्ट फिस्ट मिस मुट्ठी होता है ब्लू मिस प्रहार जिसे वह अपने मुट्ठी के प्रहार से चस्पा कर दिया। फिर क्या हुआ द मोमेंट उसी समय दैट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स जैसे ही वह पत्र पेटिका में गिरा तो द पोस्ट मास्टर वेंट डाक मालिक गया टू ओपन इट इसे खोलने के लिए। इट सेड यह कहा मतलब पत्र में क्या लिखा था गॉड भगवान आप द मनी उस पैसे के लिए दैट आई आस्क्ड फॉर जो जिसके लिए मैंने कहा था ओनली 70 पैसेस रिच्ड मी केवल 70 पैसे मेरे पास पहुँचे सेंड मी द रेस्ट मेरे पास शेष भेज दीजिए सिंस क्योंकि आई नीड इट वेरी मच क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है बट डोंट सेंड इट टू मी लेकिन इसे मेरे पास मत भेजिएगा थ्रू द मेल द्वारा मत भेजिएगा पोस्ट ऑफिस द्वारा मत भेजिएगा मेरे पास बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं आर्मीज हैं बंच ऑफ क्रुक्स वो बेईमानों का समूह है एक लेंचो।